दोस्तों आज हम आपको भेलपूरी बनाना सिखाएंगे। घर पे ही दिल्ली जैसी टेस्टी बाजार की जो भेलपूरी होती है वो घर पे किस तरह से बनती है, और इसके लिए हमें जो पुराने आपके घर में मिक्सचर वगैरह रखे हुए होते हैं, नमकीन वगैरह होते हैं, घर पे नमकीन सभी के ही मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि हम लोग मेहमानों के लिए भी लाकर रखते हैं। अगर हम खुद नहीं खाते होते हैं तो मेहमानों के लिए लाके रखते हैं, नहीं तो जनरली सब लोग नमकीन खाना घर में पसंद करते हैं। और अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो आप बाजार से हल्दीराम की भेलपूरी का पैकेट लेकर आ सकते हैं, तो उसमें सब चीज़ें मिली हुई होती हैं पहले से ही। नहीं तो आप मिक्सचर है और दो तीन तरीके के नमकीन ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले हम इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने लिया है मूंग की दाल, जो सिंपल सॉल्टी वाली जो मूंग की दाल आती है मार्केट में वो लिया है। और इसके बाद ये हमने एक मिक्सचर ले लिया है, इसमें मूंगफली और ये इस तरह की सेब वगैरह सब डले हुए हैं। और इसके बाद हम लेंगे ये मुरमुरे, ये जो बेक मुरमुरे बाजार में मिलते हैं तो ये आप ले सकते हैं। और ये हमने लिया है लच्छा, आलू का लच्छा है ये, मसाले वाला ये हमने लिया है। और ये हमने थोड़ी कुछ सांखे मटरी हमारे पास में थी, ये हमने क्रश कर ली है। आप चाहें तो आपके घर में पापड़ी हो या पापड़ कुछ तले हुए रखे हुए हो तो उनको भी क्रश करके चिप्स जो होते हैं तो चिप्स भी आप ले सकते हैं, उन्हें हम क्रश करके डालेंगे। इसके बाद में ये देखिए हमने ये घर पे ही सौंठ बनाई थी तो ये हमने सौंठ ले लिया है। तो इसकी भी एक वीडियो मैं आपको अपने जल्दी ही चैनल पे बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि घर में ये सौंठ किस तरह से बनाई जाती है। और ये इसके लिए हमने चटनी ली है, चटनी को थोड़ा सा हमने पतला कर लिया है, और चटनी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से चटनी को घर पर ही बनाया जाता है। और अब इसके लिए हमने ये छोटी प्याज ले ली है, छोटी प्याज को हमने अच्छे से डाइस करके काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। और इसके बाद में हमने ये शिमला मिर्च ली है, वन फोर्थ शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। ये आधा टमाटर लिया है हमने, इसको भी हमने छोटे छोटे डाइसेस में काट लिया है। और इसके बाद ही हमने एक बॉइल्ड आलू लिया है छोटा मीडियम साइज का, और उसे हमने अच्छे से बॉइल करके और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भेलपूरी बनाना। दोस्तों ये हमने एक बाउल ले लिया है, अब हम इसमें सबसे पहले मिक्सचर डाल देंगे। उसके बाद ये मूंग की दाल जो हमने आपको बताई थी वो डाल देंगे। इसके बाद में हम ये मुरमुरे डाल देंगे इसमें। इसके बाद ये लच्छा डाल देंगे। इसके बाद ये जो हमने सांख मटरी वगैरह क्रश करी थी तो ये हम डाल देंगे। आप चाहें तो चिप्स वगैरह भी क्रश करके डाल सकते हैं, पापड़ क्रश करके डाल सकते हैं या पापड़ी वगैरह हो। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। इसके बाद ये जो हमने प्याज टमाटर वगैरह छोटे छोटे पीसेस में काटे थे तो वो हम डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, इसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे, फिर हम टमाटर डाल देंगे, और अभी हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने से इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। आप चाहें तो इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ भी सकते हैं, जिससे इसके अंदर भेलपूरी में अच्छे से प्याज की स्मेल वगैरह बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए, बहुत अच्छे से प्याज की स्मेल आ जाए। देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दिया था मिक्स करके सब, और अब इसमें प्याज की बहुत अच्छे से स्मेल आ गई है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर सौंठ डालूंगी, ये 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें सौंठ डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें चटनी डालेंगे, अगर आपके पास में चटनी नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये मैंने जो चटनी ली थी इसके अंदर नींबू हरी मिर्च वगैरह सब पहले से ही डली हुई थी, तो इसलिए मैं इसमें ऊपर से नहीं ऐड कर रही हूँ, नहीं तो ये बहुत ज्यादा चटपटी हो जाएगी। आप चाहें तो जितनी आप चटपटी खाते हैं उसके हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए
अभी हमारी भेलपूरी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आइए इसको सर्व कर लेते हैं, एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। और आप इसको टेस्ट करके देखिए और आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए। बिल्कुल बाजार जैसी ये भेलपूड़ी बनके तैयार हुई है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपको आप बाजार नहीं जा पा रहे हो भेलपूड़ी खाने के लिए, तो आप इसे घर में ही इजीली बना सकते हैं। तो इसे जरूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए।